अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? शेख दानिश। माशाल्लाह शेख दानिश हमारे क्लिनिक पर जो है हिजामा के लिए आए थे, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। मैं आया था इधर रिजा गूगल मैप थ्रू, बट मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल थे, तो मैं सोचा कि एक बार हिजामा ट्राई करते, शायद सही हो जाए। तो मैं उनको सबसे बात किया, बोले कि हाँ मतलब पीठ पे एक बार लगा लो, वहाँ से भी गंदगी साफ़ होगी और चेहरे पे लगाएंगे वहाँ से भी असर दिखेगा। तो जैसा लगाया तो अभी तो फिलहाल बहुत रिलैक्स लग रहा है मेरे को, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून, कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। फोन करे कर रहे भी घर पे आके सीधा सो जाओ। सो जाऊँगा, मतलब तबीयत में एक निशात लग रहा है ना, इसे निशात उसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है सर, तो अंदर से लग रहा है मन कर सो जाएँ कुछ देर, इसी तरह मन करता था बेड पे पड़े रहें सोए रहें, सर एहसास हो रहा था दिल का, काश कुछ देर और लंबा सोने को मिल जाए, यहीं पे सो जाए ऐसा लग रहा था। तो हमेशा अक्सर मैंने जो इससे पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की उसमें भी पेशेंटों का यही जो है फीडबैक रहा है, ये आपकी एनर्जी का फ्लो होता है, यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर स्टैग्नेशन जब नहीं रहेगी तो एनर्जी आपके अंदर जो रिजनरेट हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द सेशंस में, वो अगर स्प्रेड करेगी तो आप उसे उसकी वजह से जो है आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, और अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा फील हो रहा है, बॉडी पूरा लाइट फील हो रही है, एकदम हल्की लग रही है ना, आँख लगता है ढकी जा रही है, नींद सुकून लग रहा है। रिजल्ट तो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, इनके गाइडेंस के हिसाब से, इनके एडवाइस के हिसाब से हमने कर दिया। हमने इनको भी ये भी गाइड किया कि आप कैसे अपने जो है पेट को साफ करके, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ है या गट सिस्टम इश्यूज़ है, हम उसकी मेडिसिन भी देते हैं। हमने पहले उनको यही एडवाइस दी थी, बट वो आए थे तो हमने सुन्नत जिंदा करने के लिए पहले इनका एक बैक पॉइंट किया और दो जो है वन लेफ्ट हैंड साइड चीक पे भी हमने एक एक पॉइंट किया, अलहमदिल्ला जरा सो करे इस तरह से, तो कोई ज़्यादा मार्क दिख रहे हैं आपको ज़्यादा? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो है कल सुबह तक ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनको मंडे आई थिंक ड्यूटी पे जाना, राइट? तो इंशाल्लाह कल का दिन संडे का है तो पूरा का पूरा चला जाएगा। अभी तो सक्शन का विद इन टू आवर्स में आपको ये सब चला जाएगा सक्शन का, और अलहमदिल्ला आपको पता भी नहीं चलेगा इंसिजन कहाँ पर हुआ, बट खून देख सकते हैं आपके कप में निकला हुआ अच्छा खासा। उन्होंने फोटो इमेजिंग हम लेते हैं अपने सारे पेशेंटों की, हम एक रिकॉर्ड की तरह से, कि ताकि हम शो कर सकें कि आपका कौन कौन सा पॉइंट हमने किया, उसमें कितना ब्लड ड्रेन किया, कुछ स्टैग्नेशन वगैरह रहे तो भी हम शो कराते हैं। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फैसिलिटीज़ कैसी रही, बिहेव कैसा रहा, हेल्थ की एडवाइस कैसी मिली? क्योंकि क्या होता है मोस्टली लोग 40-50 रुपये पर कप के हिसाब से जोड़ते हैं, बट हमारे यहाँ से प्रोफेशनल आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिली कि नहीं मिली? हाँ मतलब ये है कि डॉक्टर साहब मतलब तो दिखते नहीं कि खाली पैसा लो या वो पहले एडवाइस देते कि बंदे को अगर सही लगा एकदम जेन्युइन लगा तो ये करवाने, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं कि अभी आ गए तो करा के जाओ। तो हिसाब से मेरे को इनकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी, और भी बताने लगे कि मतलब जहाँ से पिंपल विम्पल शुरू होता है वो पेट से स्टार्ट होता है, कि पेट की गंदगी जो भी रहती है गर्मी वर्मी रहती है उसी के थ्रू स्टार्ट होता है, तो पहले आप उन इंटरनल का ध्यान रखने का, फिर बाद में तो मतलब अलहमदिल्ला अच्छा ही रहता है मौसम। चलिए इंशाल्लाह करते हैं, कुछ और कहना चाहेंगे आपके लिए? तो मतलब मैं वही बोला, अगर कराना चाहोगे तो एक बार डॉक्टर सबसे पहली बार कांटेक्ट में आ जाए, तो आपको मतलब जो भी रहेगा एकदम जेन्युइन बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे क्लिनिक पे आने का और विजिट करने का, हिजामा कराने का। और सबसे मेन अहम चीज़ होती है पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, अगर वो सेटिस्फाइड होकर जाता है तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं वो उस मकसद को हम अच्छे से फुलफ़िल कर पा रहे हैं, और आपको सुकून और शिफा का एक ज़रिया बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप फिर विज़िट करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे, ना कि एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए बल्कि शिफा के पर्पज़ के लिए, कि आए इंशाल्लाह एक बार मौका दें आप, इंशाल्लाह खुद यानी कि फील करेंगे उस चीज़ को जो आप भाई ने फील किया, राइट? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।